अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राहील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं Online.99 पर। स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए हम यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं कि डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में क्या रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये बात सोच रहे होंगे कि डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमने एक ही पढ़ा था कि दैट इज़ रेशियो ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन हमने फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस किया था कि अगर आपको याद होगा कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब जब आप लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, केसी। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़ा था केसी, ये आपको याद होगा, ठीक है। और अगर हम इसी तरह से प्रेशर में लेते हैं केपी कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम नंबर ऑफ मोल में लेंगे तो दैट इज के एन, और अगर हम मोल फ्रैक्शन में लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, के एक्स। तो दीज आर बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के पी, के सी, के एन, के एक्स। अब इस लेक्चर के अंदर, ये शायद लेक्चर डिफरेंट पार्ट्स में आए, हमने इन सब का रिलेशनशिप देखना है कि के सी के पी से कैसे रिलेटेड है, के सी के एन से कैसे रिलेटेड है, के पी के एन से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह से के सी के एक्स से कैसे रिलेटेड है, ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला हम लेंगे, जिस पहले की हम बात करेंगे दैट इज रिलेशन शिप बिटवीन के पी एंड के सी। आज के इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस पे बात करेंगे कि केपी और केसी का क्या रिलेशनशिप है, कि आप केपी और केसी को एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करोगे, इसकी अब हमने यहां पर बात करनी है, ठीक हो गया। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जनरल रिएक्शन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, कहते हैं कि ए मोल ऑफ ए किसी भी रिएक्शन में बी मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें क्या देते हैं, सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। यहाँ पर याद रखना है कि जो कैपिटल लेटर्स हैं ए बी, ये हमने रिएक्टेंट्स को लिखने के लिए, शो करने के लिए लिखे हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल लेटर है ए बी सी डी, दीज आर रिएक्शन कोफिशेंट, वो आपको नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं कि इस रिएक्शन में ए के कितने मोल हैं, बी के कितने मोल हैं। ये हमने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करके चलना है, तो इस वजह से यहाँ पर हम इस तरह का रिएक्शन ले रहे हैं, एक मोर जनरल रिएक्शन ले रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए के पी लिखें, आपने पढ़ा हुआ ना कि के पी भी आप लिख सकते हैं, के एक्स भी लिख सकते हैं, के एन भी लिख सकते हैं, के सी भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग के सी लिखते हैं, ज्यादातर आप जगहों पे केसी पढ़ते हैं, लेकिन इन केस ऑफ गैसेस हम के पी लिखते हैं, ठीक हो गया। नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात की जाए सिर्फ, तो फिर हम के एन लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे इस रिएक्शन के लिए अगर मैं के पी लिखूं तो क्या बनेगा, दैट विल बी प्रेशर ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ बी, सॉरी ये तो रिएक्टेंट है, ठीक है, हमने क्या लिखना है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ सी, ठीक हो गया, और इसी तरह डी डिवाइडेड बाय डी, ठीक हो गया। अब यहां पर क्या होगा, पी ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ पी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये क्या हमारे पास बन गया इस रिएक्शन के लिए के पी की एक्सप्रेशन आ गई, कि इस रिएक्शन के लिए अगर के पी लिखना तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक हो गया। तो यहां तक ये बात आपने ध्यान में रख लेनी है कि अगर आप केपी और केसी का रिलेशनशिप देखने जाएंगे तो पहले आपने क्या करना है, कि एक रिएक्शन लेना है,
उस रिएक्शन का फिर आपने केपी लिखना है, ठीक है। कि अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि केपी हम कैसे लिखेंगे, तो एक लेक्चर हमने लिया था, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केमिकल इक्विलिब्रियम एंड डेरिवेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें लॉ ऑफ मास सेक्शन पे बात करके हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव की थी, वहां पर हमने इस पे बात की हुई है, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि आपने ये पढ़ा था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये अगर आपको याद हो, आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन जो क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहां पे चलेंगे। देखें पी इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी, यहां पे p मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इधर ले आए डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, p इज इक्वल टू एन बाय वी, और आपको ये बात पता है कि दिस n बाय वी इज व्हाट इज कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, p इज इक्वल टू सी आर टी, दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्म हेयर। इस टर्म को आपने ध्यान में रखना है कि P इज इक्वल टू सी आर टी, सी इज कंसेंट्रेशन, आर इज जनरल गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर, ठीक हो गया। अब देखें हमने जनरल इक्वेशन जो जनरल एक्सप्रेशन के पी के लिए डिराइव की थी वो क्या थी, P प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D, प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B। तो अब इस इक्वेशन से भी आप हर एक के लिए प्रेशर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हमें कहूं प्रेशर ऑफ A की बात करूं, प्रेशर ऑफ ए, तो वो क्या होगा, देखिए जरा, सी ऑफ ए, ठीक है, आर टी, और यहां पे याद रखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक हो गया। तो हर एक के ऐसे, अगर मैं प्रेशर ऑफ डी की बात करूं, सी ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, ये सारे यहां पर आ जाएंगे। तो अब इस टर्म को आपने यहां पे इस इक्वेशन में पुट करना, हर एक की जगह पर आपने इसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना। अब देखें क्या है, के पी इज इक्वल टू, अब पी ऑफ सी है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, सी ऑफ सी आर टी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। याद रखना कि ये जो सी है दिस इज फॉर कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। अब ऐसे ही देखो दूसरा क्या था, P ऑफ D, तो क्या होगा, C ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ D, R T नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D। इसी तरह से क्या होगा, C ऑफ A, R T और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, C ऑफ B, R T नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। क्लियर, यहां तक ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। यहां तक हमने कोई इतनी मुश्किल बात डिस्कस नहीं की, सबसे पहले केपी लिखा, ठीक है, फिर आइडियल गैस इक्वेशन से पी के लिए एक्सप्रेशन निकाली, और फिर उसको हमने यहां मेन एक्सप्रेशन में पुट किया, ठीक है। अब यहां पर ये बिल्कुल इजी है, यहां बिल्कुल क्लियर है कि आपने इसको ध्यान में रखना है। देखिए आर टी यहां पर है, ठीक है, आप ये करें कि सी वाली टर्म को एक तरफ ले जाए, आर को एक तरफ ले जाए, देखिएगा जरा, केपी इज इक्वल टू, देखो सी कंसंट्रेशन ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ये यहां से मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्लियर, कंसंट्रेशन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्लियर। अब यहां पे साथ में देखें क्या करना है, आर टी, ये वाला आर टी, यहां पर मैं एक चार्ट कट करता हूं कि देखिए आर टी और आर टी सेम है, यानी कि बेसिस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सी प्लस डी, और नीचे क्या है, उसी तरह से आर टी क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। यहां तक आपने इस बात को समझ लेना है, ठीक हो गया। अब आगे देखिए, इस बात को जहन में रखना है कि अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन टर्म है, और आपने ये पढ़ी थी कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आप कंसंट्रेशन लें तो वो क्या होता है, K
kc. So this whole term is known या is equal to kc. इस सारे को आप kc के equal ले ले तो क्या हो जाएगा? kp is equal to kc. साथ में multiply by r t, ठीक हो गया? c plus d. और जब नीचे से ऊपर जाएगा बेस फिर भी सेम है, पावर क्या हो जाएगी? माइनस. तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी. और अगर आपको याद हो c प्लस डी आपको किसके मोल बता रहे हैं? प्रोडक्ट के मोल बता रहे हैं. और a प्लस बी किसके मोल बता रहे हैं? रिएक्टेंट के मोल बता रहे हैं. तो यहां पर देखो आप क्या कह रहे हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो किसी भी रिएक्शन के दौरान जब आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की बात करते हो तो इट्स मीन दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल ड्यूरिंग रिएक्शन. तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को हम यहां पर रिप्लेस करेंगे किसके साथ? डेल एन के साथ. नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी. केपी और केसी के दरमियान ये रिलेशनशिप है कि केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आर टी रेज टू पावर डेल एन. और डेल एन क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. डेल एन क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ड्यूरिंग रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन के दौरान जो नेट नंबर ऑफ मोल में चेंज आती है दैट इज नोन एज डेल एन. डेल हम एन उसको हम लिखेंगे. अब याद रखना है कि डेल एन जीरो भी हो सकता है, डेल एन पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल एन नेगेटिव भी हो सकता है. वो किस बात पर डिपेंड करेगा? कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन पे. ठीक है. अब अगर हम ये कहें कि इफ डेल एन इज इक्वल टू जीरो, अगर डेल एन जीरो है तो के पी इज इक्वल टू के सी. ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि के सी इज इक्वल टू के पी और आगे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, डेल एन इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल एन इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल एन इज इक्वल टू जीरो. तो याद रखना है कि KP KC के तब इक्वल होगा जब डेल एन किसके इक्वल हो? जीरो हो. ठीक है. तो ये रिलेशनशिप आपने इस अंदाज में यहां तक आपने डिराइव कर लेना. और समटाइम ये क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कि प्रूफ KP इज इक्वल टू KC. तो आपने प्रूफ कैसे करना है इस सारी एक्सप्रेशन को डिराइव करके फाइनल जाके आपने ये रिलेशनशिप बताने के बाद ये बात करनी होगी. ऐसे नहीं कह सकते कि आप ये कह दें डेल एन इज इक्वल टू जीरो देन KP इज इक्वल टू केसी. तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे. स्टिल अगर आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन वगैरह उसको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस पर डिस्कशन की जाए. थैंक यू वेरी मच.